नमस्कारम, ये हमारे स्केचिंग प्रैक्टिस का दूसरा दिन है। हमने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की, जैसे कि हाथ की मूवमेंट कैसे फ्री हो, लाइन कैसे दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओवल कैसे बनाएं, सर्कल कैसे बनाएं। आज हम देखेंगे ये सब चीज़ किन किन जगह पे हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग करने में, ये सब किस तरह उपयोगी है, आज हम ये देखेंगे। जैसे कि हमने प्रैक्टिस की हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और क्रॉस लाइन का, तो ये चीज किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। ये हमने दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने दिया वर्टिकल लाइन। जब भी हम कोई सीनरी बनाएंगे, कोई लैंडस्केप बनाएंगे, तो उसमें ये यूज होता है। तो ये किस तरह यूज होता है, आइए देखते हैं। तो ये है बेसिक ड्राइंग किसी भी लैंडस्केप का। मान लीजिए ये एक पेपर है, ये एक पेपर है और ये हमने लाइन दे दी। अब जैसे लैंडस्केप में क्या होगा, जमीन आएगी, यहाँ से यहाँ तक मिट्टी है और ये गया है एक रोड। तो रोड जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ से चौड़ा होगा और जाते जाते दूर वो पतला हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया कि मोटा से पतला। अब साइड साइड में हम जैसे कि झाड़ बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं, तो वो कैसे, वो भी बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। तो उसका लाइन हमें ये मिल गया है जो हमने क्रॉस लाइन दी थी। तो यहाँ से एक झाड़ अगर बनाएंगे हम तो वो इतना बड़ा होगा और यही झाड़ धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर दूर बनाते जाएंगे नजीक नजीक आता जाएगा और छोटा भी होता जाएगा। तो इसी तरह से हम ये लैंडस्केप में ये ट्रेस लगा सकते हैं और दूसरी तरफ वैसा ही। जैसे दूर जाएगा चीज़ें मिक्स हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं दिखेगा, और जैसे पास आएंगे ऐसे डिटेल दिखेगा। तो यहाँ एक झाड़ को हम बड़ा और डिटेलिंग के साथ बना सकते हैं और धीरे धीरे दूर जाते जाते वो छोटा भी होता जाएगा और धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा। तो इसी तरह हमें दोनों किनारे का झाड़ मिल गया, दोनों किनारे का पेड़ मिल गया। तो ये मिल गया रोड, ये मिल गया जहाँ हम झाड़ लगा रहे हैं वो बाउंड्री, और ये सब पेड़ पौधे। तो ये चीज़, ये जो प्रैक्टिस हमने किया हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और क्रॉस लाइन का, ये इसका यूज हमने यहाँ किया। और बाकी जो जगह बची, यहाँ पे हम सन दे सकते हैं, मून दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आकाश स्काई को दिखा सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी फिगर हम दे सकते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन का यूज करके हमने एक सीनरी बनाया। तो इसी तरह अलग अलग सीनरी में अलग अलग तरीके से ये सब यूज होगा। अब हम देखेंगे सर्कल से क्या क्या बना सकते हैं और किस तरीके से वो यूज होगा। तो हमने सर्कल प्रैक्टिस की थी, कैसे की थी, पूरे हाथ को यूज करके एक जगह पे दबाया और एक सेकंड में ही उसको घुमा दिया, तो ये बन गया सर्कल। अब ये सर्कल कुछ भी हम बनाएंगे, जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ऐसी चीज़ें कुछ भी बनाएंगे,
वो सब में यूज होता है। और हम जब सर्कल एक दे देते हैं तो आसानी से वो बन जाता है। तो किस तरीके से, जैसे कि ये हमने सर्कल दिया, तो इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसा कर देंगे, दो लाइन जोड़ देंगे कर्व लाइन, तो ये हो गया एक मैंगो। हम एक सर्कल दिए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी आसानी से ये सर्कल बन रहा है जब हम पूरे हाथ का उपयोग कर रहे हैं। और एक सर्कल दे दिया छोटा सा, दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो ये बन गया पपैया। फिर हम बहुत सारे सर्कल यूज करके ग्रेप्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने एक सर्कल दिया, फिर एक दिया, ऐसे जितने देते जाएंगे फिर हम कोई भी फ्लावर बनाते हैं उसमें भी सर्कल का यूज होता है। जैसे कि हम एक सर्कल दिए, फिर चारों तरफ लाइन दे दिए और इसको बस जोड़ दिए, तो ये बन गया एक फ्लावर। तो अभी हमने देखा सर्कल का यूज करके हम कैसे फ्रूट्स बना सकते हैं, टावर बना सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे ओवल का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये होगा हॉरिजॉन्टल ओवल, वर्टिकल ओवल और क्रॉस ओवल। तो ये हमारा अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो इससे हम तरह तरह के फ्लावर बना सकते हैं फटाफट। कैसे, बीच में खाली एक सर्कल देना है। फिर इसी फ्लावर को हम अगर साइड से देखें तो कैसा दिखेगा, वो भी हम ओवल से बना सकते हैं। जैसे कि हम जितना ओवल देंगे उतना पंखुड़ी बन सकता है। फिर यहाँ पे अगर ये यहाँ पे डाली आ जाएगी तो ये हो गया इसी फ्लावर का साइड वाला हिस्सा। फिर इसी ओवल से हम वेजिटेबल अगर बनाना है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि ओवल दिया, यहाँ पे सिर्फ हम इतना कर देंगे तो ये बन गया एक बैंगन। फिर से ओवल दिया, यहाँ हम थोड़ा दो लाइन सिर्फ मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा गाजर और मूली जैसे वेजिटेबल। तो इसी ओवल से हम तरह तरह के बर्तन भी बना सकते हैं। जैसे कि एक ओवल दिया, नीचे एक छोटा ओवल दिया, उसके नीचे और एक बड़ा ओवल दिया, ये और एक ओवल दे दिया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है, ये इसके साथ जोड़ देना है, ये इसके साथ जोड़ देना है, ये इसके साथ जोड़। और एक ओवल दिया, नीचे से खाली इतना कर दिया। तो इसी तरह से हमने देखा कि लाइन, सर्कल और ओवल शेप से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे हम इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में बात करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना है, हम तीसरी क्लास में इससे और ज़्यादा सीखेंगे और अलग चीज़ सीखेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखना, आप लोग जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका ड्राइंग इम्प्रूव होता जाएगा। तो नेक्स्ट फिर दूसरे सेशन में मिलते हैं।